अब खान साहब, वैसे मैंने सुना है कि खान लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती, आप क्या मरासी खान होते हैं? खाम खा, बस हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में तो पहाड़ी लोगों को कम ठंड लगती है ना? ना ना, तो आपने बोला था, हम कह रहे सच है कि ठंड नहीं लगती है पठानों में। ठंड नहीं लगती ना, तो आपको क्यों लग रही है? ऐसे बस लाहौर का ठंड तो अलग होता है, दिल वाला ठंड होता है। दिल वाला ठंड होता है, ये दिल वाली ठंड है। हाँ, दिल वाली। कोई लड़की मिल गई यहाँ पे या नहीं? नहीं लड़की क्या, तो ठंड लग रही तो फिर कैसी लड़की चाहिए मारा आपको? लड़की बस गांव वाली हो। गांव वाली, तो फिर कोई गांव वाव जाओ ना ढूंढने। बस हम तो कारोबार के लिए आए हुए हैं। कारोबार के लिए? कौन सा कारोबार कर रहे हैं? फिलहाल तो मैनेजमेंट कर रहे हैं हॉस्टल में, लाहौर बॉयज हॉस्टल में। अच्छा, आपके बाल माशाल्लाह से काफी घने बाल हैं, तो ये कैसे? बस एक कुदरती है, अल्लाह की तरफ से, लोग कह रहे अच्छे लगते हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? एल्डर शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, नो डैंड्रफ। सही, आपका हिडन टैलेंट क्या है? टैलेंट मतलब किस तरह? मतलब क्या आप गाना गा लेते हैं, शायरी कर लेते हैं, क्या चीज कर लेते हैं? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं। फिलहाल क्या है? फिलहाल बस ऐसे जो लगे गाने में मतलब दिलचस्पी है ज्यादा। हाँ, तो फिर गाना सुनाओ ना कोई दो लाइन। गाना माइक पकड़ लो। कौन सा गाना सुना है? कोई भी अपना फेवरेट। गाना कोई सा भी। फिलहाल तो वैसे तो पश्तो आएगा। पश्तो में सुना दो, मुझे आती है पश्तो। अच्छा हाँ, अभी एकदम हाँ। भूल गया, पश्तो में भी नहीं आ रहा। हाँ? पश्तो में भी नहीं आ रहा। कुछ और मतलब अगर शायरी सुनाओ। शायरी भी नहीं आती। पश्तो में गाना सुनाओ। पश्तो में कौन सा गाना सुना? कोई भी, कोई भी। हाँ और कोई बीबी शिरीनी। बीबी शिरीनी, बीबी शिरीनी, हाँ, थोड़ा 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 सुना दो। बीबी शिरीनी जाळे गुली रबान दिवाचवा जोड़ाला सुना। बीबी शिरीनी, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने गाना गाया। ये किसके लिए गाया? ए, आपके लिए। मेरे लिए गाया? मेरे लिए क्यों गाया? बस अच्छा, वैसे आपको अगर छोटी लड़की मिले शादी के लिए तो कर लेंगे? नहीं, छोटी से बिल्कुल नहीं। देखा, मुंह पे तो हीन कर दी छोटे लोगों की। साढ़े 5 फुट होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है? हमारे 6 फुट 3 इंच। 6 फुट 3 इंच, और आप चाहते हैं कि 5.5 इंच की चाहिए, वो तो आपको फिर उसी इलाके की मिलेगी। नहीं, यहाँ पे भी है, लाहौरी भी है। ढूंढ ली, मिल गई। कैसे बताया उसको? बस ऐसे। क्या बोला जाके आपने उसको? कुछ भी नहीं, बस किस्मत की बात। किस्मत की बात तो है, आपने कैसे उसको कन्विंस किया कि मैं पसंद करता हूँ? क्या बोला? सर बस ऐसे रेस्टोरेंट में मिल गई। बस रेस्टोरेंट गए? कौन से रेस्टोरेंट? इधर ही क्विटा। क्विटा चाय वाला जी। चाय पीने के बहाने जी आंख में टक्का हुआ जी। बिल्कुल। आप गए उसके पास जी? क्या बोला जाके? बोला तो कुछ नहीं, बस ऐसे बार बार देख कर। बार बार देखा, फिर उसने आके ये ना कहा कि मैं सर फाड़ दूंगी हाँ अगर मुझे फिर देखा? नहीं नहीं, देखने से क्या होगा, आके तो अल्लाह ने दी यार, जगह जा सकती है। आके अल्लाह ने देखी है, जहाँ मर्जी देखे इंसान। लेकिन देखो, लड़कियों को भी तो गुस्सा आता है ना जब कोई लड़का देख रहा होता है। नहीं, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है तो फिर बाहर ना निकले। गुस्सा आता है तो बाहर ही क्यों निकलते हो? वेरी नाइस। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपके बीवी ने शादी के बाद आपको मना कर दिया कि आपको इजाजत ही ना दी कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मोबाइल, फोन, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। मोबाइल तो आजकल बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, सब लोग। तो अगर आपकी बेगम ने मना कर दिया तो आप क्या कहेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जब आपने इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, लेकिन हम लोगों को मना ना किया करो। आपने करना तो करो, हमें ना मना करो। जबरदस्त हो गया। उसको कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? कैमरे वाले
कैमरे वाले को क्यों देना है? कैमरे वाला आपको पसंद आया क्या? नहीं, ये प्यारा है। प्यारा तो है माशाल्लाह। बिल्कुल प्यारा नहीं। नहीं नहीं प्यारा है। नहीं, जस्ट किडिंग, प्यारा है। अच्छा, अपनी जो होने वाली है शादी जिसे कर रहे हो उसको मैसेज देने की बात कर रही हो? वो तो नहीं है फिलहाल, शादी जो करना चाहता हूँ तो नहीं है, मतलब वो तो वैसे दोस्त है। इसने कहा कि वो तो वैसे दोस्त है, गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ। मतलब अभी गर्लफ्रेंड ढूंढी है, शादी के लिए नहीं? शादी के लिए तो नहीं, शादी के लिए गाँव से, मतलब तो ये गर्लफ्रेंड पटाई हुई है। मैं तब से समझी जा रही हूँ शादी के लिए लड़के ने लड़की ढूंढी हुई है। नहीं, वैसे तो टाइम पास है, मतलब ऐसे फिर लड़कियाँ सही कहती हैं ना कि लड़के होते ही खराब है, टाइम पास करते हैं। नहीं नहीं, तो वैसे हमारा तो बड़ा खराब हैगा। नहीं नहीं, चलो ठीक है, चले है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद।